हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सारू एंड यू वाचिंग प्रोडक्ट रिव्यू। सारू, तो गाइज आ गए हैं कौन ने वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे खादी नेचुरल्स का सीका काई एंड हनी कंडीशनर के बारे में। पूरी डिटेल्स आपको वीडियो में मिलेंगी, कैसे उसे यूज करना है और क्या क्या उसके साइड इफेक्ट है, क्या वो पूरी तरह से केमिकल फ्री है, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आपके भी बाल बहुत ज्यादा थिन या बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो गाइज इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास मैसेज आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, ये है खादी नेचुरल्स का सीका काई और हनी हेयर कंडीशनर। तो गाइस बात करें सबसे पहले इसकी पैकिंग की, तो गाइस इसकी पैकिंग की मैं बता दूं कि इसी तरह पैकिंग है जैसे खादी का जो शैम्पू आता है, उसी तरह इसकी पैकिंग है, पूरी तरह से सिंपल और ट्रांसपेरेंट। तो गाइस ट्रांसपेरेंट होने का ये फायदा है कि ये पूरी तरह से आपको पता चल जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है कौन से कलर का है, और गाइज ये क्वांटिटी का भी आपको पता चल जाता है कि कितना इसमें अभी प्रोडक्ट है और कितना आपने यूज़ कर लिया है। तो गाइज एक और बात बता दूं कि इसका जो पैकिंग है मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल रहता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी जो शैम्पू थी जो मैं ट्रेवल कर रहा था और मेरे बैग में वो लीक हो गई थी और पूरी तरह से मेरे कपड़े को ख़राब कर दिया था। तो गाइज और बता दूं, यहाँ पे आपको एक कैप मिल जाता है और यहाँ से एक टिप है जो इजिली ओपन हो जाता है और इजिली लॉक हो जाता है। तो गाइज ओवरऑल बात करें इसकी पैकिंग की, तो मैं इसको 4 marks देना चाहूँगा 5 में। तो गाइज इस बोतल पे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए मैं उसको पढ़कर बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ कि न्यू इम्प्रूव्ड पैकिंग, तो गाइज इसकी पैकिंग की जो पहले से इम्प्रूव किया गया, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिपेयर ड्राइनेस, तो गाइज आपके हेयर में जो ड्राइनेस होती है उसको ये रिपेयर करता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपके स्कैल्प में जो इरिटेशन होती है उसको ये क्या करता है, ख़त्म करता है। और उसके बाद आपके जो बालों में है शाइन ऐड करता है और वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। तो गाइज ये 2 points जो है, शाइन ऐड करता है और वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, इसकी जो डिस्कशन है मैं लास्ट में करूँगा, क्योंकि मुझे जो बेनिफिट मिला है मैं बताऊँगा आपको लास्ट में। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पूरी तरह से SLS और पैराबिन फ्री है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट की, तो गाइज इंग्रेडिएंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है सीका काई और हनी, ये जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें इसको यूज करके बनाया गया। और गाइज यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट, जैसा कि यहाँ पे नींबू मिल जाता है, जोजोबा ऑयल मिल जाता है, उसके बाद एलमंड ऑयल मिल जाता है, एप्पल एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। तो गाइज इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो गाइज इसकी प्राइस की बात करें तो आपको मिल जाता है 299 rupees का, मतलब 299 rupees का। और गाइज वॉल्यूम की बात करें तो आपको ये मिल जाता है 210 ml का, ये पैक मिल जाता है। तो गाइज इस कंडीशनर का जो डिस्काउंट लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन का, जो मैं इसे यूज किया मुझे क्या बेनिफिट मिला। तो गाइज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि आप इसका यूज तभी करें जब आप शैम्पू कर रहे हैं, तभी शैम्पू के बाद इसे यूज करें, ऐसे आप इसे यूज ना करें। कर लेते हैं वो 3 points का जो मैंने आपको बताया था, आपको आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो वो जो पॉइंट था आपको ये डीप क्लीन, तो गाइज मैं बता दूं ये डीप क्लीन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है कि हेयर में आपको शाइन ऐड करता है, तो ये बात सही है। और गाइज उसके बाद यहाँ पे ये वॉल्यूम, तो गाइज इसको यूज करने के बाद आपको वॉल्यूम थोड़ी सी भी नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी आप कंडीशनर का यूज करेंगे उसके बाद आपको वॉल्यूम मिलती ही नहीं है। तो गाइज मैं बता दूं इसके यूज करने के बाद आपको हेयर में जो है वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो गाइज देख सकते हो अभी मैंने यूज किया है और अपने बाल को मैं पूरी तरह से सेट करने की कोशिश किया था वीडियो से पहले, लेकिन नहीं हो पाया था। देख सकते हैं मैंने ऐसे ही अभी कंघा मार के ऐसे ही सेट कर लिया। गाइज बता दूं इसको यूज करने के बाद आपको वॉल्यूम तो मिलेगा ही नहीं। तो गाइज आप बात करते हैं इसकी ओवरऑल कंक्लूजन का, तो गाइज मैं बता दूं अगर आपके थिन हेयर है तो इसको आप जरूर यूज करें, लेकिन आपको मैं बता दूं आपके हेयर को ये शाइन प्रोवाइड करेगा और डीप क्लीन प्रोवाइड करेगा और वॉल्यूम आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो गाइज मैं बता दूं जो थिक हेयर वाले हैं, जो जिनके बाल मोटे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट कंडीशनर है। तो गाइज बता दूं जो थिन हेयर है और थिक हेयर है दोनों के लिए ये बेस्ट कंडीशनर है, और जो थिन हेयर है उनको ये वॉल्यूम ऐड नहीं करेगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी गुड बाय।